तो आज मैंने अंकल जी को बुलाया है क्योंकि घर का वास्तु वगैरह ऑलरेडी हालांकि हमने दिखवाया था, बट अंकल हमारे जो एक्सपर्ट हैं, और क्योंकि मैं जो यकीन करता हूँ उन लोगों पे यकीन करता हूँ कि जिस पे आप ट्रस्ट ये कर सकें कि ये जो चीज़ बताएंगे वही बताएंगे, क्योंकि आजकल इस फील्ड में ना लोग मतलब कुछ का कुछ बता देते हैं कि आपके मन में जो है कुछ होना कुछ है उसको बता कुछ देंगे, आपके मन में ऑलरेडी डाउट आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे लोगों पर यकीन करो, ऐसे लोगों पर यकीन करो कि जो आपको सही बता सकें। तो मैं अंकल जी से मिलाना चाहूँगा आपको। हम जो भी कुछ करते हैं, अंकल जी पापा जी के साथ टीचर हैं, अभी रिटायर्ड हैं, तो संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, और अभी 25 साल से ज्योतिष कर रहे हैं अंकल जी। जी 25 साल से ज्योतिष कर रहे हैं। तो अभी हमने हालांकि सारा डिस्कशन कर लिया है, बट अभी हम एनर्जी चेक करा रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि ऐसे भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साइंस इस तरह से भी वर्क करता है। तो ऐसा नहीं, साइंस वर्क करता है और उसको फॉलो भी करना चाहिए। और अभी जल्द ही हमारा पॉडकास्ट आने वाला है कि वास्तु के बारे में और सारी चीज़ों के, वास्तु को डिस्कस करेंगे एक बार, हम अपना जो है एस्ट्रोलॉजी को करेंगे, है ना, पहला एस्ट्रोलॉजी का ही करेंगे अंकल जी। जी ठीक है, आप बताओ जी, बताओ बताओ जी कैसा काम करता है। थैंक यू कसाना जी, आइए मेरे पास डॉक्टर साहब, यहाँ बैठो मेरे जी। पास। आज ये मुझे मौका मिला, मेरे साथी हैं, उनके बेटे हैं और मेरा ये परिवार है, और मुझे इस चीज़ का शौक है और मैं इस चीज़ को, वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी, 25 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए, और मैं इसमें काफ़ी इन्हीं लोगों की वजह से आगे बढ़ पा रहा हूँ। और आज मैं जो है इनके लिए आया घर में, इन्होंने घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया है। इसके हम जो फोटोग्राफ वगैरह ये बाद में देंगे आपको पूरे घर का, जब मुझे अभी काम चल रहा है इनका। तो आज मोटा मोटा जो बेसिक चीज़ थी हमने आज इनको बताया, और एनर्जी के लिए मैं इनसे बात कर रहा था। एनर्जी हमारे पास ओरा स्कैनर होते हैं, उसके माध्यम से कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आजकल बाहर से, जैसे हम किसी आईसी वगैरह जो हमारे टीवी में और उनमें होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी देखने के लिए, उनकी रेंज देखने के लिए, इस तरह के आजकल आधुनिक वो आ रहे हैं, इसी तरह से हमारे स्कैनर जो है बने हुए हैं, ओरा स्कैनर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आज हम इनके लिए बताएंगे। और उसके माध्यम से अब इसको पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता। और ये वास्तु या ज्योतिषास्त्र व्यक्ति को पॉजिटिव करने के लिए ही होता है। और एक वास्तुशास्त्री या एक ज्योतिषाचार्य जो होता है, ये एक साइको डॉक्टर होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हम जो, और उनके ग्रहों के माध्यम से या घर की एनर्जी के माध्यम से उनको पॉजिटिव ही करके जाते हैं, इससे उनके जीवन में खुशहाली रहे, उन्नति हो, तरक्की हो और आगे उनकी बढ़ोतरी होती रहे। हमारा यही प्रयास रहता है, कोई ज्योतिषाचार या एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु जो है कोई जादू टोना टोटिका नहीं है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। जो ज्योतिष तो सौर मंडल पर ही आधारित है, आजकल के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी समझते हैं कि इसमें सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा और इन सारी चीज़ें, पुंछल, तारे वगैरह, जितना भी आकाश मंडल में है उसके बारे में चर्चा होती है, उसी एनर्जी बिल के हम बात करते हैं। आज हम यहाँ आए थे तो ये कह रहे कि जरा मेरा ओरा स्कैनर के आधार में मेरा जो है बताइए, तो मैं आज इनके लिए बता देता हूँ। ये सिंपली बहुत सारे लोगों पे हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं और वो करते हैं। वैसे मैं वैदिक शास्त्र को ही लेके चल रहा हूँ, इनके माध्यम से इनका हम सहारा लेते हैं, बाकी जो काम होता है हमारा हम वैदिक के आधार पर ही करते हैं। और जो हम घर का वास्तु करते हैं वो 81 पद में होता है, विश्वकर्मा प्रकाश को हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हमने ग्रंथों को इनको पढ़ा है, शिक्षाएँ ली हैं इसकी, तो ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। इस फील्ड को हम 5 तत्वों के आधार पर देखते हैं। तो ये छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट आजकल चल रहे हैं, तो आज मैं जो है डॉक्टर साहब की एनर्जी यहाँ देख रहा हूँ, और क्या सबके ही देखने होते हैं, इनका घर का वास्तु मैं देख लिया, बेसिक तौर पर घूम लिया हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। उन्होंने पहले से सलाह लेते रहे, कुछ लोग और भी इनके फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो वो इसको बहुत अच्छे सलाह और बहुत सही सलाह, हाँ बहुत अच्छी सलाह इनकी थैंक यू। तो देखिए ये थोड़ा ये कि हमारा और स्कैनर है, और ये इसको लोग सब तरह से, इसमें देखिए इसमें भी जो उन्होंने भी इनको बना, मैंने बनाया तो नहीं इसको भाई, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और भी आ रहे हैं आजकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो सुइयों के माध्यम से या डिजिटल होते हैं, उसमें अंक प्रदर्शित होते हैं, क्या इतना वो है, इसमें इतना हो रहा है, सब तरह के अपने अपने अलग अलग हैं। तो मैंने इसको
ज़्यादा यूज नहीं करता मैं, फिर भी इनके लिए दिखाने के लिए आया हूँ। देखिए हमारे ओरा स्कैनर है, तो मैं आज जो है ना ललित जी का, वैसे इसमें और चीज़ भी है, मैं उनको हाथ में इनके लिए दे दे, डिश वगैरह हमारी होती है उनको दे करके कनेक्ट किया जाता है इसके साथ, तब ये बता पाता, फिर भी ये अपना काम करता है। और हम लोग उसमें निकालने में टाइम लग जाता है, लंच तक तो ये हमारा स्कैनर जो हमारा चलता है, इसमें हमने इसको ऑन किया, और ऑन करने का अर्थ ये है कि ये स्कैनर अपने आप इसमें जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं इस एनर्जी से ये जुड़ जाता है। और इसमें थोड़ा टेक्निक होती है, इस तरह टेक्निक तो हर चीज़ की होती है, जब तक हम किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाएंगे नहीं, उसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं करता। तो इसका भी काम यही है, और हमारी थोड़ी इसके साथ में जुड़ाव होता है, एनर्जी से ये जुड़ता है, तो उस तरह से हम इसको देखते हैं। जबकि इसके बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपना काम है ऑटोमेटिक। ये लगभग 90 डिग्री के उस पर रहता है, ये कोई ऐसा नहीं हमें ऊपर करेंगे तो ये भाग जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, ये अपने आप ही काम करता है। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये 85 डिग्री और 90 डिग्री के नीचे हम 100 डिग्री पे ऊपर नहीं ले जाते, नहीं 90 डिग्री पे एकदम ले जाएंगे खुल जाएगा ये, तो इसको हम 80 पे 85 पे रखते हैं, नीचे रखा हुआ होता है और ये अपना काम करना शुरू करता है। अब देखते हैं हम, इससे हम ये कहते हैं कि आप इनके ओरा के बारे में बताएं कि इनके अंदर कितनी ओरा है जो इनके लिए ये काम कर रही है। तो ये हमारा एक सिस्टम है इस तरह का कि मैं ना हाथ को ही घुमा रहा हूँ, देख लीजिए आपके सामने हाथ वही है, वही डिग्री बनी हुई है, ये अपने आप ही इनकी ओरा से जुड़ेगा और ये अपना काम करेगा। तो ये सब जगह, अब इसको फेंक भी कहते, भाई मैं तो इसका कोई मास्टर नहीं हूँ, ना कोई टेक्नोलॉजी का काम है, मेरे हाथ वहीं है, मेरा सब वही है, ये अपने आप वहीं से काम कर रहा है और ये चलता चला जा रहा है, जब जाता जाएगा। लगभग मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 80-85% हो रहा है इनका अपनी जगह पर, लगभग ठीक है। मैं भी तो बैठा हूँ, नहीं सर कमान नहीं आगे लिए, अच्छा नहीं मैं ये मान के चलता हूँ। तो और डॉक्टर साहब तो हमारे बिल्कुल निखरे हुए डॉक्टर हैं, बहुत दिल खुश हैं, और हमारे तो ये बच्चे हैं, कुछ नहीं देखिए अभी इसमें मूवमेंट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपका रुझान है आपके इसमें। ऐसा भी कुछ है कि जैसे मैंने एकदम फोकस करने की कोशिश करी इस पे जो है तो ये उधर हो गया थोड़ा? हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब रीड तो करता ही है, एनर्जी तो ये एनर्जी पे ही तो चल रहा है, ओरा का है आपके जो ओरा मंडल जो होता है, आभा मंडल होता है, उसको ही फीड करता है। अब ये देखिए यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका फोकस कर रहा हूँ इस पर जो है थोड़ा सा जो है जी जी, और मैं समझता हूँ कि आपका अपनी जगह बिल्कुल इस समय फिट काम कर रहा है। देखो ये अभी डॉक्टर पूजा कह रहे थे वो चेक होने वाला है, और मैं इसको खेल को कम करता हूँ ना, आज के टाइम पे यही चीज़ ज़्यादा चल रही है। आजकल तो और डिजिटल आ गई ना, और लाखों रुपये कहाँ से लाऊँ, वो तो लाखों कमा रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊँगी। ऐसे सिस्टम जैसे होती है ना, आपने देखो ना रेडियो वालों के पास होता है और वो बताता रहता है उसमें वो है, फिर डिजिटल आ गए, बहुत सारे थोड़ा स्कैनर आ गए ना, सब कुछ करके बताते वीडियो जाते 10 आदमी जाने का तैयार हो जाएंगे बुलाने वाले एक
एक साल तक के लिए दो के बाद आपके साथ डॉक्टर पूजा जी हैं और ये बहुत स्पेशलिस्ट हैं डेंटल डेंटों के डेंटल ये डॉक्टर हैं और बहुत स्पेशलिस्ट हैं ये डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब जो ये कसाना जी थे जन्म ललित जी ये पति और पत्नी है दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है इनका और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा चले और हमें इसी में खुशी होती है। मैं इनके ओरा स्कैनर के माध्यम से ये देखना चाह रहा हूँ कि इनके अंदर ऊर्जा ये ओरा स्कैनर का काम ही ऊर्जा से है कि इम्यूनिटी ऊर्जा मीन्स इम्यूनिटी कितनी है हमारे अंदर तो वो इम्यूनिटी घर की हो चाहे अपनी व्यक्तिगत रूप से हो किसी भी चीज़ की हो वो कितना काम कर रही है आपके लिए कितना वो पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है ये हम इसके माध्यम से देखते हैं और इस देखो मैंने इसमें डिश वगैरह भी लगा करके मैं डॉक्टर पूजा जी का जो है ना वो स्कैनर के माध्यम से ये देखना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम कितना इनका स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है तो ये इनके लिए बताएंगे। और मैंने पहले उसमें भी बताया कि लगभग 80 डिग्री पर या 85 डिग्री पर ये झुका हुआ रहता है कभी हम इसको 90 डिग्री की तरफ नहीं ले जाते 90 डिग्री पे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप घुल जाएगा। तो इसमें जो दे रखी है उन्होंने जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है उस ग्रुप को वो जाने कि इसमें बताते हैं वो हमने इसमें चुंबकीय प्रभाव जो हमारा पृथ्वी का होता हवा मंडल का होता वो इसमें हमने उन सारी चीज़ों को जोड़ा का बहुत सारे लोग इसको फेंक भी बताते अब उनकी माया वो जाने मुझे भी ज़्यादा भी नहीं लेकिन यहाँ टेक्निक इसकी होती है और उसके माध्यम से हम इनके लिए कहते हैं कि आप डॉक्टर पूजा का और आप ओरा बताइए कि इनका ओरा कितना है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है बहुत सारे लोग इसको मैंने देखा चलाते हुए एकदम झटका मारे झटका नहीं मारते जो हमारी जो कॉपर की रॉड आती है उनसे पुराने वास्तव में जो हम करते थे रॉड से किया करते थे अब उन्होंने रॉड की जगह पर ही इसमें कुछ और नहीं आज भी हमारे कई वास्तु शास्त्रीय वास्तु आचार्य हैं जो रॉड से करते हैं आजकल उनके पास जो और स्कैनर है वो रॉड हैं आजकल वो जो हमारे कॉपर की आया करती हैं उसी से करते हैं वो लेकिन इसमें अब नई टेक्नोलॉजी जुड़ गई है तो हम इसके माध्यम से ये देख रहे हैं कि इनकी ओरा कितनी है। तो मेरे अंदाज में ये अपनी जगह तक पहुंच चुके हैं तो देखो यदि हम 100% की बात करें तो एकदम हमारी तरफ को वापस आ जाएंगे लेकिन ये जो है लगभग 50% यहाँ तक बता रहे हैं वहाँ तक है इनका काम 50% तो पॉजिटिव हैं यहीं रोक रहे हैं इससे आगे नहीं जा रहे इतना ही बैठ पा रहा है तो 50% 60% अभी एक्यूरेट नहीं ना ये मांगी चलो 60 से 50% के बीच में हम ये मांगी चल रहे हैं कि इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर का तो वो इनके अंदर है कोई ऐसी दिक्कत नज़र मुझे अभी नहीं आ रही है अभी इससे आगे नहीं जा पा रही है इतना आप लोग बहुत है बहुत है लेकिन मैं बिल्कुल इससे चेक करता हूँ इससे चेक कराना और चेक कर दिया आप ये मैं ये आप कर लिया था कभी भी फिर कर लेना मानो मेरी बात अच्छा फिर कभी कर लेना क्योंकि मैं तो अब हम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब कसाना जी आओ या ना आओ मैं गांव जाऊंगा तू इधर हो के जाऊंगा रिश्तेदारी आधे काम तो मुझे वही कराते हैं नहीं ऊपर वाला करा देखो करो चेक करो पहले बता दे
चलो मैंने तो बताई ना, मैं तुमसे पहले जिसने कही नहीं भैया, जो आदमी मोटरसाइकिल पे चलते चलते सोता हो, हर ट्रक सामने खड़ा है, तुम देखे इसको अपने अपने वाले को कर लेना और डॉक्टर ज्यादा कर लेना, यदि डालना भी है तो उधर अभी सर्जरी का भी मत डालना, मुझे तो जरूरत है, जरूरत नहीं है। ये मेरे साथी SS कसाना जी, लेक्चरर मैथ के, पॉलिटिकल में आ गया, अभी मैथ के टीचर रहे मेरे और मैं इनके साथ संस्कृत प्रवक्ता रहा, और रिटायरमेंट मुझे हो गए करीब 10 साल हो गए, 11वीं साल शुरू हो जाएगी अब तो, इसका इनका हो रहा देखते हैं कि बस में भगवान की दुआ से इनकी कोई सरदर्दी है नहीं है दूसरों में। मैं किसी को भी नहीं देते और अपने आप भी नहीं देते, होना चाहे कितना ही हो रहा आपको बढ़िया होगा। बहुत सारे लोग इसके लिए बोलेंगे कि आप इनका पूरा बताइए, भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई जादू टोना थोड़ी है, तो हम इस बात को इनके लिए आज्ञा देंगे कि आप बताइए, ये अपने आप ही जुड़ता है हमारे जो हमारी एनर्जी है उसके साथ, क्योंकि इसका नाम ही एनर्जी स्कैनर है, तो ये अपने आप ही जुड़ता है, हम नहीं जोड़ते इसको कभी अपने, क्योंकि इसके अंदर भी जो चुंबकीय प्रभाव डाले गए हैं हारों में, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि वो जो डालते अल्ट्रावाइलेट किरणें जो होती हैं साफ सुथरा कर रही है, अंदर ही अंदर उसका काम है ना। अब इसमें जो प्रपंच चल रहे हैं लोगों के वो सही नहीं है कि अब यहाँ का ये करना है वहाँ का वो करना है, सर आपकी नजरी लगभग ठीक है, कुछ परेशानी वाली नजर नहीं आ रही, 70% आगे जो उम्र के हिसाब भी होता है। और तो घर में कैसे देखते हैं जी? घर में फिर हम स्टेप बाई स्टेप देते हैं, खाली यही काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो अपना देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए कनेक्ट करना है। नेगेटिव की कैसे पता लगती है? नेगेटिव खुलेगा ही नहीं, यही मना करेगा, दोनों चीज़ होती हैं। आपने देखा होगा जब चुम्बक के पास चुम्बक जाती है, या तो वो वाइब्रेशन करती है या आगे पीछे हटती है, और जब वो पॉजिटिव होती है तो एक दूसरे से जुड़ जाती है, ये चीज़ अलग चीज़ नहीं है। अब चक्कर ये कि लोग बाग जो आ रहे हैं अपने नए नए, वो कुछ न कुछ उसमें नया टाना करते हैं, उसमें भी हो जाता है, डायरेक्शन में भी होता होगा। हाँ, डायरेक्शन में तो ये कि यहाँ की डायरेक्शन सही है कि नहीं है, वहाँ की ऊर्जा गेट की अच्छी है कि नहीं, देखने से नहीं है? आप क्या देख लो, देख लो कैसे ये फील हो जाता है ना, तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी तो खराब है, बुढ़ापा आ गया। मैं वर्क करता है तो जी, मैं थोड़ी करता हूँ। हाँ हाँ, आप कर रहे हो, आप थोड़ी कर रहा हूँ, वर्क करता है अपने आप कर रहा है ना, आपने इसको 80-85% उस पर डिग्री पर रख रखा है, मैंने आपको बताया ना आगे जैसा अपने आप, मैंने अभी एक चीज़ और लगाई नहीं है इसमें जो एनर्जी को बिल्कुल ही फीड करती है, दिखाऊं आप उसको? हाँ, तो वो भी दिखाऊंगा, उनको दिखा उसको, तो इसके अंदर एक चीज नहीं है, वो अपने आप फील होता है जाते ही कि वो प्रेशर देती है तुम लोग अपने आप जो इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ, अब इसकी वीडियो मत बनाना, इसकी मत बना। ये अभी और कुछ हम अभी करने वाले हैं, बट ये हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, अगर ये आपको देखना है तो इसके लिए आपको जो है फिर वो विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे भी विवाद आता, मैं पहले सी रहा हूँ।
आज हमने तो जो है अपना पूरा एक सेटिस्फेक्शन हो गया है। अगर आपको भी कराना है तो मैं अंकल जी का नंबर दे दूंगा, खूब परेशान कर सकते हो कॉल करके, लेकिन फ्री में नहीं। हर चीज की एक वैल्यू है आपके साथ तो बहुत सारे लोग।